हक और बातिल को उस वक्त पहचानो जब मजलूम को मदद की जरूरत हो। मुझे अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम ने यूज ऑफ द फीट किया। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो मुकाबला भी करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ लाइन। मेरा स्पेशल एजुकेशन में सेकंड मास्टर्स है। जिन्हें लाहौर मेरे क्या जुनाई नया। अपार्ट फ्रॉम दैट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं हूं आपका मेज़बान फहीम खान और आपको बताना चलूं कि आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि कराची का मौसम भी बड़ा खुशगवार हो चुका है। अच्छी अच्छी बात यह है कि जी बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होने जा रहा है। कहा यह जाता है कि जी अक्टूबर के बाद जब नवंबर कराची में आता है तो ठंड ले आता है, तो ठंड पै गई है जी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पै गई है। आज की अच्छी बात कोट ऑफ द डे से आज के शो की शुरुआत करेंगे हम। और आज की अच्छी बात है कि हक और बातिल को उस वक्त पहचानो जब मजलूम को मदद की ज़रूरत हो। जो मजलूम के लिए खड़ा होगा वही हक पर होगा और यही हमें इस्लाम ने भी दर्ज दिया है। यही सारी बातें वो हैं जो कि हमारे मज़हब ने हमें 1400 साल पहले सिखा दी थी, लेकिन अब पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर चुकी है। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब और देखते हैं आज की बड़ी खबर कौन सी है, फिर प्रोग्राम में तफसील शामिल करेंगे। ए सलाउद्दीन अय्यूबी कहाँ है तू, मजलूम फलस्तीनियों की पुकार पर अय्यूबी आ रहा है। आलम इस्लाम का लहू गरमाने के लिए इस्लाम की तारीखी फतेह पर मबनी सीरीज का ट्रेलर जारी। तुर्किया और पाकिस्तान की मुश्तरका प्रोडक्शन और मौजूदा दौर में वक्त की जरूरत है। शायकीन की दुआएं रंग ले आईं, कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई का एक और पड़ाव पार हो चुका है। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका के हाथों न्यूजीलैंड शिकस्त से दो चार शाहीनों और कीवीज के दरमियान मैच मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन पर आ गए। और माजूरी मजबूरी नहीं, पिशावर की बाहिम्मत तालबा ने साबित कर दिखाया बीनाई से महरूमी के बावजूद मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाली सबीना सैयद की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। और बच्चों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल की लत कैसे छुड़वाएं, नहीं सेहतमंद सरगर्मियों में कैसे लगाएं, कोच नाजिश अली के मुफीद मशवरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की बड़ी खबरें और शामिल कर लेते हैं अब टॉप ट्रेंड। हैशटैग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो 6 अक्टूबर से इस वक्त टॉप ट्रेंड पर ही चल रहा है, स्टॉप जेनोसाइड इन गाजा। 2,58,000 लोग इसे रीट्वीट कर चुके हैं। आज के ट्वीट हैं, गाजा में सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन गाजा में इजरायली जारियत जारी है। ताज़ा हमलों में शहादतें 9,000 से तजावज कर गई हैं, जबकि 22,000 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि इजरायली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शुमाली कोरिया ने भी मासूम फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि उर्दन, कोलंबिया और चिली ने भी सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। ट्रेंड में सार्फीन की जानिब से फलस्तीनी शहरियों की नस्ल कशी रोकने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक लाखों अफराद इसे रीट्वीट कर चुके हैं। खैर, अगला हैशटैग आ रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका की जानिब से तोहफा मिला है पाकिस्तानी टीम को। न्यूजीलैंड बमुकाबला साउथ अफ्रीका भी ट्रेंड में शामिल हो चुका है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि जनूबी अफ्रीका की जीत के बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए रास्ता आसान कर लिया है। अब टेबल जो अगर हम चेक करें पॉइंट्स टेबल, तो पाकिस्तान इस वक्त 5वीं पोजीशन पर बरकरार है, जबकि सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कौमी टीम को अपने दोनों बकिया मैचेस ना सिर्फ जीतना होंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना होंगे। ट्रेंड में सार्फीन जनूबी अफ्रीका की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 78,000 लोगों ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है। जी, तो ये थे आज के टॉप ट्रेंड्स जो कि हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो कि
बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर में अब आवाज़ उठने लगी है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जारी है, दुनिया तीसरी आलमी जंग के बादल जो है उनकी गिर्द आ चुका है, उस पर बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरक प्रोडक्शन से तैयार होने वाले ड्रामे सलाहुद्दीन अयूबी का ट्रेलर भी जारी हो गया है। आज फिर गजा लहूलुहान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज फिर कोई अयूबी उठेगा और सहूनियों को उनके मजालिम पर जवाब देगा। दीन इस बारे में हमें क्या समझा गया है 1400 साल पहले, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मुफ्ती साहब, दो चीज़ें आपसे जो है वो मैं जानना चाहूँगा। एक तो हमारी मुश्तरका प्रोडक्शन के साथ जो है ड्रामा बनाया जा रहा है सलाहुद्दीन अयूबी, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, तो ऐसी ये वो चीज़ें हैं जो कि आपका खून गरमाने के जो है काम आती हैं, जैसे अर्तुरुल, उस्मान गाजी और फिर अब सलाहुद्दीन अयूबी पर भी मबनी ये ड्रामा आ रहा है। तो जो लोग जैसे जेन जी की अगर हम बात करें, जो कि मिलेनियम के बाद पैदा हुए हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन है, तो मैं ये चाहूँगा पहले तो आप ज़रा उनकी ज़िंदगी पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए और फिर उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस्लाम जो है वो इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि यहूदी सहारा लेते हैं अपनी किताबों का। किताबें तो एक ज़माने में वो हमारी भी थी, लेकिन अब वो हमारे लिए रही नहीं कुरान आने के बाद, पर वो आज भी उनमें क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया, उन्होंने अपने अल्फाज डाल दिए हैं, तो वो अपने हवाले से बयान करते हैं। अभी 24 अप्रैल 2024 में जो है वो इनका पास ओवर आने वाला है यहूदियों का, जिसकी वो तैयारियां कर रहे हैं। इनका मजहबी त्यौहार है सबसे बड़ा, और सुनाई ये जा रहा है कि इस मरतबा उनके रब्बी जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि जी दज्जाल आ जाएगा और उसको वेलकम करने की तैयारी है, ये जो कुछ भी गजा पे हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से शुरू करके आप ज़रा इसे यहाँ तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आगाज़ करूंगा कुरान मजीद से और फिर उसकी रोशनी में मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पहुंचूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने जगह जगह पर हमारी वाजे और दो टोक अंदाज से तरबियत की है। मैं इसलिए ये आयात कोट कर रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके मिनिस्टर बल्कि उनके स्पीकर ने बाइबल की आयात को कोट किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें बाइबल कह रही है कि तुम इसराइल के साथ खड़े हो जाओ। हालांकि वहां जिस चीज को वो कोट कर रहे हैं उस इसराइल की ये किस्म की उन्होंने तहरीफ की है। उस इसराइल से मुराद ये इसराइल नहीं है, वो एक जस्ट जिमनन हजरत इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है इसराइल। तो वहां उस वक्त उन कौमों को कहा जा रहा था कि तुम इसराइल के साथ खड़े हो जाओ, यानी एक तज़किरे के ज़िमन में आया जिसको वो उठाकर अपने पास वो इस उन्होंने इस जगह पर फिट की है उस आयत को। तो मैं समझता हूं कि देखिए कि वो लोग हर हवाले से वो तैयार हैं और वो इस जंग को मैज एक सियासी जंग या मैज एक इलाकाई चपकलश नहीं कहते, वो इसको एक बकौलन के जैसे वो कह रहे हैं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और उसने इसराइल जैसे मुल्क पर हमला किया तो हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, आगे जवाब दे रहे हैं। तो अगर यही जवाब आपने देना है तो फिर फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी करते हुए अमेरिका जैसे मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बाइबल की आयतें कोट करके ये बताने का क्या मकसद है कि हमें हमारी बाइबल कहती है कि आप इसराइल के साथ खड़े हो जाओ और इस वक्त इसराइल का दिफा करना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। काश के दुनिया के 57 ममालिक उनकी पार्लियामेंटों में खड़े होकर भी कोई बताने वाला बताए कि अगर उनकी बाइबल जिसमें उन्होंने कुछ चीजें अपनी तरफ से लिखी हैं और कुछ वाजे तहरीफ करके वो बयान कर रहे हैं, वो उनको ये बता रही है, तो काश हम ये बता सकें अपनी कौमों को कि हमारा कुरान हमें क्या कहता है। हमारा कुरान सूरह बकरा के अंदर बड़ा वाजे तौर पर आयत नंबर 120 में कहता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हर गिज तुमसे यहूद नसारा राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत पे ना चले जाओ, जब तक तुम यहूदी और ईसाई ना हो जाओ। वलैन तबाता हवा अहम बादल लजी जा कमिनल इल्म माला कमिनल्लाह मिन वलीयम वला नसीर। और फिर दूसरी जगह सूरह मायदा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लतजदन अशदन नास अदावतल लिल्लजीन आमनुल यहूदा वल्लजीन अशरकू, के मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन दो लोग हैं, या वो यहूदी हैं या वो मुशरिक हैं, यानी मुशरिक से मुराद बुत परस्त जैसे जस्ट आपका इंडिया। तो ये कुरान ने हमारा बड़ा वाज़े तौर पर हमारी रहनुमाई की है। और सूरह मायदा आयत नंबर 51 या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुम औलिया बाद, ए मुसलमानों
हरगिज तुम यहूद नसारा से दोस्तियां और ताल्लुकदारियां ना बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त यार हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती यारी की पींगे बढ़ाएगा वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो यहाँ अल्लाह हमें वाज़ेह तौर पर जो हमारी रानुमाई कर रहा है, सदियों से हमारी रानुमाई की है, वो आज आपके सामने है कि यहूद नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। आज यूरोप कहाँ खड़ा है, फ्रांस कहाँ खड़ा है, आज रोम के या इटली और बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं, अमेरिका कहाँ खड़ा है, वो यहूदियों के साथ खड़ा है। और इस वक्त वाजह तौर पर मुसलमानों की नस्ल कशी फिलिस्तीन के अंदर हो रही है। तो अब जरूरत इस अमर की है कि हमारी पार्लियामेंटों में हमारे अवाम, तो खैर अल्लाह का फजल है पूरी दुनिया की मुसलमान मुल्कों में अवाम वो बागैरत हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों पर इन्हीं के आलाकार मुसल्लत हैं या उनको जकड़ दिया गया है कि जिसकी वजह से वो ये आयतें नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही ये पढ़कर सुना सकते हैं। अगर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कौमों की तामीर जरूरी होती है, जहनी तौर पर तरबियत जरूरी होती है। इसराइल के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, आज उनके फौजी जो है ना वो अपनी उनकी जो तौरात है उस पर उसको चूम कर वो मैदान जंग में जा रहे हैं, लेकिन इन चलों को पागलों को पता नहीं है कि जिनको आगे जिनसे वो टकरने जा रहे हैं वो इस्लाम के बेटे हैं, वो तौहीद के बेटे हैं, वो तौहीद परस्त हैं। और ये वो लोग हैं कि कुरान जिनके बारे में बताता है कि ये अपनी मौत से जिंदगी से ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। क्यों? कि इनको मालूम है कि हमारी दायमी जिंदगी हमारी शहादत के अंदर है। तो बहरहाल जिस हस्ती का आपने नाम लिया, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियत थी कि जिसने इन तमाम ताकतों की पॉलिसियों को, इनके मंसूबों को समझा। और जिस वक्त पहले क़िबला अव्वल के ऊपर कब्जा किया गया था तो उसको छुड़ाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो मेहनत की है, तो आज बहुत कम लोग हैं कि जिन्हें पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ये मत कोई समझे कि जी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास बहुत बड़ी फौज थी तो जाकर वो टकरा गया। अरे भाई पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट आया। मुख्तलिफ जंगों को अगर जंगे हितीन वगैरह की आप तारीख को पढ़ें, मुख्तलिफ जंगों को आप देखें, तो बाज़ औक़ात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में 300,000 की फौज है। मसलन जिस जंग में रिचर्ड शेरदिल को उसने शिकस्त दी है, तो बताइए उस वक्त 7 रियासतों की फौजें उसके उसके मुकाबले में खड़ी हैं। क्रूसेड था ना, उस वक्त सलीबी जंग शुरू कर दी थी उन लोगों ने। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरफ अकेला सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा है, तो वो सब इकट्ठे हुए थे सलीब के नाम पर, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने इस्लाम की आवाज उठाई थी। तो वो जो सलीबी जंगें वो शुरू थी, मैं समझता हूँ खुदा की कसम ये भी सलीबी जंग हो रही है। बिल्कुल, वो अलग बात है कि इस तरफ से हमारे पास एटम बम भी हैं, स्कड भी, जायल भी हैं, हमारे पास नसर भी है, हमारे पास होरी भी है, हमारे पास शाइन भी है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अगर नहीं है तो हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है और हमारे अंदर जज्बे जिहाद नहीं है। हम डर रहे हैं कि भूखे मर जाएंगे, हमारे ऊपर पता नहीं क्या से क्या ना हो जाए। देखें जो मुसलमान होते हैं ना, अल्लाह अगर किसी कौम को इज्जतें देता है तो उससे पहले उनसे इम्तिहान लेता है। इस वक्त आज इस बेसर समानी के आलम में हमास के मुठ्ठी भर मुजाहिदीन ने उन कहां गया उनका मरकावा टैंक, जिसके उन्होंने 1 अरब और 67 करोड़ रुपए का वो बनाया हुआ टैंक जिसपे वो नाश करते थे। उनका वजीर आजम पार्लियामेंट में कहता था कि हमारे मरकावा को शिकस्त कोई नहीं दे सकता। हाथों से बने हुए 4 या 5 हजार के रॉकेट ने उस मरकावा के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। तो आज इकबाल खुदा की कसम वो कहता नजर आ रहा है कि अगर आज भी तुम्हारे अंदर ईमान सलामत हो, उतर सकती है गर्द, उसने कहा था ना फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो अब भी अल्लाह ताला, तो हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह बताएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई निकले तो सही अल्लाह की मदद, कोई निकले तो सही जी अल्लाह की मदद के लिए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जहाँ आपने जिक्र किया और आपने बताया कि जी ये बाखुदा सलीबी जंग है, बिल्कुल ये सलीबी जंग है। और इस बात की तस्दीक जो है वो मैं आपको एक छोटे से वाक्य से कर देता हूँ कि जब फलस्तीनी पर कब्जा हुआ था, इनका वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ये, जब पहली जंग अजीम हुई तो सुल्तान उस्मानी हुकूमत थी, उस्मानी हुकूमत को हटाने के लिए जो है जब गाज़ा पे हमला किया गया तो उस्मानियों ने खुद वहाँ से हट के ये उनके हवाले कर दिया था, ब्रिटिशर्स के हवाले जब किया क़िबला अव्वल, तब जा कर के जो है पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने अखबारों में यही पब्लिश किया था कि वी हैव वॉन दी क्रूसेड।
और एक फ्रेंच जर्नल ने सलाउद्दीन अयूबी की कब्र को ठोकर मार करके ये कहा था कि 700 साल बाद जो है वो हमने अपना बैतुल मुकद्दस वापस ले लिया। ये जीतने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये क्रूसेड है। जब वो लड़ रहे थे तब उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास इंडिया की ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा फौज थी जिसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, तो ये तासुर नहीं देना चाह रहे थे कि मुसलमान जागें। पर मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि तारीख इन अंग्रेज़ों की यही है। ये आपको बताएंगे नहीं कि ये मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, ये अपनी मासूमियत ही दिखाएंगे, लेकिन ये एक ढोंग है। इस ढोंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप जैसे आलिम फाजिल लोग आकर के बताएंगे कि इस्लाम की तारीख क्या है, जज्बा ईमानी क्या है, तब पता चलेगा। अब हमने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की बात कर ली तो हम फातह अव्वल की अगर हम बात करें, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनो की, जिनके बनाए हुए कानून आज भी यहूदी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं उमर लॉ के नाम से, कि ना उन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी, ना वहाँ पर जो है उनकी इबादत गाह के अंदर कोई ऐसा काम किया कि बाद में मुसलमान उनकी इबादत गाहों को मस्जिद में तब्दील कर लें। मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालने के लिए, आपसे बेहतर इंसान इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, तो जब जिक्र निकल ही आया है फातह क़िबला अव्वल का, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वाक़े पर भी थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालिए जब उन्होंने फतह किया। देखें, बुनियादी तौर पर जब क़िबला अव्वल को इस्लामी फौजों ने फतह किया था तो उस वक्त फिलिस्तीन की, यानी जिस वक्त हमारे जो जर्नैल थे जनाब हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो दूसरी तरफ से जो इस शहर के जो समझ लें कि हाकिम था, गवर्नर था, तो उसने जब देखा कि यहाँ अब फतह मुसलमानों की यकीनी है तो उसने एक शर्त लगाई थी कि मैं ये चाबी उस शख्स के हवाले करूंगा जो मुसलमानों का हाकिम है, मैं किसी जर्नैल के हवाले ये नहीं करूंगा। लिहाजा इस बात पर मशवरा हुआ और चुनाचे खत लिखा गया जनाब हजरत उमर की तरफ कि आप आए और ये चाबी आप हासिल करें, इसके बगैर जो है ना वो शहर नहीं खोलेंगे, बामरे मजबूरी हमें जो है ना लड़ना पड़ेगा और दोनों तरफ से जानी नुकसान होगा। जनाब हजरत फारूक आजम जब चले तो आपके साथ एक आप थे और एक आपका गुलाम था, और माजरत चाहूंगा रोकने के लिए, जब चले तो अपनी जगह पर खलीफा किसे मुकर्रर करके आए थे वो भी बता दीजिएगा। जी, अपनी जगह डिसिप्लिन को दुरुस्त रखने के लिए हजरत मौला अली पाक करम अल्लाह तआला वजहुल करीम की ड्यूटी लगाकर वो आए थे। तो हजरत उमर जिस वक्त चले और आपके साथ आपका जो गुलाम था, तो ये तय पाया कि कुछ टाइम या कुछ वक्त जो है ना वो ऊंट पे सवार होगा और कुछ वक्त हजरत उमर। तो चलते चलते जब आप बैतुल मकदस के करीब पहुंचे तो उस वक्त पैदल चलने की बारी हजरत उमर की थी और ऊंट पर सवार होने की बारी उनके गुलाम की थी। वो नीचे उतरना चाहता था, हजरत उमर ने फरमाया नहीं, अब तूने जो ना एंड तक अब तू नहीं जाना है। इतनी देर में सामने से फौजें अपने जो सिपाही थे वो भी आ गए और उस शहर के जो लोग थे उन्हें जब पता चला कि खलीफतुल मुस्लिमीन आए तो उनका हाकिम भी सामने आया, तो उसने जिस वक्त देखा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल हैं और ऊंट पर उनका गुलाम सवार है, तो उसने फौरन बढ़ के चाबी पेश की। उसने कहा कि हमारी कुतब के अंदर जिस फाते की निशानियां लिखी थी उसमें यही था कि वो खुद पैदल होगा और उसका गुलाम ऊंट पर सवार होगा। जो कौम अदल व इंसाफ में अपने गुलामों के साथ इतना अच्छा सलूक करती है तो वो कौम इस बात की हकदार है कि वो क़िबला अव्वल की चाबियां संभाले। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो, आप जिस वक्त अंदर तशरीफ ले गए तो आपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की हिदायत पर अमल किया और आपने वहां किसी भी यहूदी और ईसाई इबादत गाह को न गिराया, और बल्कि ये तो हमारे नबी का हुक्म है कि जब आप किसी शहर को फतह करें तो वहां ना बच्चों को छेड़ेंगे, ना बूढ़ों को, ना बीमारों को, ना औरतों को, ना वहां के फलदार दरख्तों को काटेंगे, ना फसलों को उजाड़ेंगे, ना पानी के जखीरों को तबाह करेंगे, और ना ही उन लोगों से लड़ेंगे कि जो आपके मुकाबले में नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता जो आपकी जंग में आपके मुकाबले आ रहे हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हैं, फिर आप उनके साथ लड़ेंगे। और फिर अगली बात ये कि अल्लाह के नबी ने वाजे तौर पर फरमाया कि वो लोग तुम्हें मिलेंगे कि जो अपनी इबादत गाहों में, कलीसों में, अपने चर्चों में, अल्लाह की इबादतों में मसरूफ होंगे, तो उनको भी आपने कुछ नहीं कहना। फिर अल्लाह के नबी ने बड़ा वाजे फरमाया कि तुमने सवा में, यानी ये जो इनके इबादत गाहें हैं इनकी यहूदो नसारा की, उनको भी आपने नहीं छेड़ना। तो हजरत सैयदना फारूक आजम जिस वक्त आप बैतुल मकदस में दाखिल हुए तो आपने अपनी नबवी तालीमात पर अमल किया और आपके उस हुस्ने सुलूक को और आपके किरदार को देखकर, तारीख में मौजूद है कि सिर्फ किरदार को देखकर एक दिन में हजारों गैर मुस्लिम इस्लाम, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब सिर्फ किरदार से जो है वो मुतासिर होकर के, क्योंकि आपका
अमल आपके अल्फाज से ज्यादा वैल्यू रखता है। यही हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि अमली जो है वह आपको मुसलमान जाहिर होना चाहिए, आपके अमल जो है उससे पता चलना चाहिए कि आप किस दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अनीब कुरैशी साहब आपका, आप हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं जब भी कोई दीन हमें दरकार होता है, तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। और नाज़रीन बहुत ही दुरुस्त फरमाया मुफ्ती साहब ने कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप जारी और सारी है, जहां उम्मीदें खो चुकी थी वहां एक मरतबा फिर एक नई उम्मीद ने, एक खुशबू ने जो है महकती हुई जन्म ले लिया है। जनूबी अफ्रीका से न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कान बढ़ गए हैं। ग्रीन शर्ट को अगले दोनों मैच में कामयाबी के साथ अपना रन रेट भी बहुत बेहतर करना होगा, इस पर वो काम कर रहे होंगे यकीनन। इसके अलावा न्यूजीलैंड की श्रीलंका से हार शाहीनों को फाइनल में फौरी तौर पर पहुंचा सकती है, और पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की राय जरूरी है, वो हम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवेज, साबिक क्रिकेटर भी हैं और राय अपनी बहुत ही आला रखते हैं हमेशा कोचिंग पर, जब भी उन्होंने बताया है किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना काम आया है। अवेज वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको मुबारक हो। सर खैर मुबारक सर, बहुत ही खुशी सी हो रही है लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जनूबी अफ्रीका ने तो हमारे लिए एक तोहफा तैयार कर दिया, हमारा अगला मैच उन्हीं से है, हम खुद जो है अपनी नैया ना डुबो दें, और अगर हमें अपनी नैया नहीं डुबोनी तो हमें क्या क्या करना होगा, क्या की पॉइंट्स हैं आप बताइए। क्योंकि पिछली जो हमारी प्लेइंग 11 थी, जहाँ तक मैंने देखा और मेरी राय है, मुझे तो बड़ी परफेक्ट लगी, आप क्या कहेंगे? देखिए ये चीज़ आपको पता है कि पिछला जो मैच हमने खेला उसमें आपको एक चीज़ नज़र आई थी, वो इंटेंट थी, जो भूख थी लड़कों के अंदर कि हम लोगों ने कुछ करना है, माइंड सेट अपना चेंज करना है, यहाँ पर एग्रेसिव खेलना। आपने फ़खर जमान को भी देखा, उन्होंने भी ये बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम, मेरे जहन में था कि हमने टारगेट कितने ओवर्स में अचीव करना है। और थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ, देखें लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर आजम को कि यार बाबर किस तरीके की शॉट पर आउट हुआ। मैंने कल मोहम्मद आमिर को सुन रहा था, उन्होंने कल बड़ी अच्छी बात की थी कि मुझे एक अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम ने यूज़ ऑफ द फीट किया है, ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते यूज़ ऑफ द फीट, क्योंकि बाबर आजम डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं तो टाइम लगता है एडजस्ट होते हुए। लेकिन आपका ओपनिंग परफॉर्म किया, आपके ओपनर्स ने परफॉर्म किया, आपके बॉलर्स ने परफॉर्म किया, एक एग्जीक्यूशन प्लान आपके पास मौजूद था। सेमीफाइनल से कम गेम नहीं आपकी सैटरडे को न्यूजीलैंड की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अच्छी साइड है वो, ऑब्वियसली वो एक प्री प्लान करके पाकिस्तान के खिलाफ वापस आएंगे और उनको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगरी है सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन एक चीज़ न्यूजीलैंड के लिए इस वक्त बुरी खबर कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड है। आपको पता है कल हेनरी का भी एक इशू बन गया, वो अगला मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद फर्गसन की बात हो रही है कि शायद वो अगला मैच मिस कर जाए, तो चीज़ें थोड़ी उनके डगआउट में जोन सी हैं वो हिली हुई हैं इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान टीम जिस कॉन्फिडेंस से पिछला मैच खेली है, अल्लाह करे कि ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपका जाए। आई डोंट नो कि उसामा मीर की जगह शताब खान को लाया जाता नहीं लाया जाता, लेकिन जो टीम खेली थी उस दिन वो एक जलप स्क्वाड नज़र आपको आया। मैं चाहूँगा कि उसी स्क्वाड के साथ जाए, उसको डिस्टर्ब ना करें। मोहम्मद वसीम का मुझे याद है कि हम भी क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन वही बात है कि जब आप एक प्लेयर को चांसेस नहीं दोगे, खिलाओगे नहीं, उसको इतने इतने साल बाहर बिठाओगे तो स्ट्रगल करें। सही बात, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने, रिवर्स स्विंग आपको नजर आई बॉल के अंदर आपके उनकी, तो एक आपको फास्ट बॉलर्स भी अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत काम करते नजर आ रहे हैं, जरूर स्ट्रगल करी लेकिन काम कर रहे हैं वो फास्ट। ओवेस आपको हसन अली का चांस नहीं दिख रहा है अभी, ये जो दो क्रूशियल मैचेस हमारे होने वाले हैं या आगे जितने भी मैचेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि वसीम को ही कंटिन्यू करना चाहिए परफॉर्मेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए मैं खुद भी चाहूंगा कि हसन अली को आप रेस्ट दें, क्योंकि इंजर्ड भी हैं और साथ में आई गेस वो काफी हद तक वो कॉप अप कर चुके हैं। हसन अली का मुझे याद है कि काफी अरसे के बाद आए हैं, लोगों ने, मैंने भी थोड़ा सा सोचा था कि यार क्या वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उनकी पेस भी गिर चुकी है, लेकिन ही इज डन गुड। यानी कि उन्होंने बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी, अच्छा खेले। लेकिन वसीम जूनियर, मैंने कहा ना कि जब आपका विनिंग स्क्वाड होता है और उस टाइम जब आपका विनिंग स्क्वाड क्लिक करे, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो स्क्वाड आप कैरी करते हो। और इस वक्त मोहम्मद वसीम जिस तरीके से बॉलिंग भी करवा रहे हैं, आपको रिवर्स स्विंग पिछले मैच में भी उनका नजर आया क्योंकि उनके पास पेस मौजूद है। फिर बैटिंग के अंदर ठीक है, उनकी ज्यादा भी बैटिंग तो अल्लाह ना करे कभी आए उनको जरूरत पड़े बैटिंग करने की, लेकिन जहां पर जरूरत थी आपने देखा होगा कि लॉन्ग हैंडल भी वो अच्छा यूज कर लेते हैं। उन्होंने छक्का भी लगाया हुआ है एक टेल एंडिंग पे आने के बावजूद। पाकिस्तानी टीम क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से चल रही है, मैं कहता हूँ कि फखर जमान को वही आपको फिर अगले मैच में कहना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ के
आप अपनी नेचुरल गेम जाके खेलें, आप छोड़ दें अपना सिंगल डबल्स पे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में भी नेचुरल गेम वो खेलते हुए हैं, फखर जमान बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। और आपको याद होगा जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, नीचे नजर आ, ये फिर आपके मुताबिक चाचा भतीजा जो है वो दोनों रेस्ट करें? चाचा भतीजा मैं तो चाहता हूँ कि रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिये जिस वक्त स्क्वाड आपका पिछले, अगर आप थोड़े से पिछले मैचेस में आप देखें तो पाकिस्तान ने, अनफॉर्चुनेट था मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान वाला मैच हो चाहे साउथ अफ्रीका वाला मैच हो, साउथ अफ्रीका वाला तो अनसीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में कि पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था, बड़ा क्लोज लेके हम लोग गए थे। ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको पता है पाकिस्तान 300 तक टच कर गया था, बीच में पार्टनरशिप आपकी अच्छी लगी थी, तो वही सिनेरियो था आपका जो श्रीलंका वाला था, 20 ओवर्स में आपने 168 को करीब करना था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थोड़ी सी तगड़ी है एज कम्पेयर टू श्रीलंका, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप टेक्निकल पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे, जाहिर सी बात है आप डिस्कस कर रहे हैं और आपकी फील्ड भी है, आप हमेशा यही बातें करते हैं और बताते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे गलत भी हो सकता है, आप करेक्ट कीजिएगा, कि बोर्ड की जानिब से जो प्रेशर बिल्टअप किया गया था वो रिलीज होने के बाद खिलाड़ियों की एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज नजर आई है मैदान में, क्योंकि आप अगर चेस करने की बात करें तो चेस तो हो गया, लेकिन जब बॉलिंग हो रही थी ना उस वक्त भी वो कॉन्फिडेंस था खिलाड़ियों में कि जी अब हम करके दिखाएंगे आपको, आपको लगता है ऐसा, आपने ये फील किया? दो चीजें होती हैं इन जैसे सिनेरियोस में, एक तो एक सिनेरियो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट है, हमारे लड़कों ने बहुत ज्यादा T20 खेली है, वनडे खेली नहीं जब वर्ल्ड कप में वो आ रहे थे, तो आपको पता है फिर इंजरी वाला मसला भी रहा, तो टाइम लगता है। पाकिस्तान का जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो आप पिछले जितने मेरे इंटरव्यूज देखें तो मैं अपने शो में भी ये बात करता था कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि बड़े टूर्नामेंट्स को सूट करती है और बड़ा लेट जाके जागती है, और जब जागती है तो फिर इसको सुलाना मुश्किल होता है, ये वर्ल्ड कप उठाती है कुछ ना कुछ करके कारनामा आती है वापस। दूसरा मसला सबसे एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी जो क्रिकेट बोर्ड में मामला हुए, अनफॉर्चुनेट था जो होते रहे, जब आपकी टीम खेल रही है और आपका चेयरमैन ऐसे बात कर रहा हो तो वो टीम का बिल्कुल मोराल नीचे गिराता है। फिर आपने देखा होगा मुझे वापस इनमें दो जगह यकजहती नजर आई थी, एक आपको याद है जब फलस्तीन वाला मामला हुआ था जिसपे मामले पे क्रिटिसिज्म हुआ, सबने रिजवान ने जो ट्वीट किया था, पैलेस्टाइन के झंडे सबने लगा दिए थे। दूसरा बाबर आजम पे फिर अपना जिस तरीके से, ठीक है उनकी कैप्टनसी अपनी जगह मामला था, लेकिन वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आप सोच सकते हो कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। वर्ल्ड कप के टाइम एकदम स्पार्क आया कि जितने भी टीम मेट्स थे सबने, पता आपको पिछले मैच के अंदर जब उन्होंने कैच पकड़ा कैसे जाके अप्रिशिएट किया, या ट्विटर के ऊपर आप देख रहे थे कि क्या क्या जो स्टेटमेंट्स वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से भी आ रही थी। तीसरा ये होता है जिस वक्त आपका क्राउड आपके अगेंस्ट हो, मामला आपके अगेंस्ट जा रहे हो, तो एक जिद होती है प्लेयर्स के अंदर बैठ के जब बात होती है कि अब नहीं, अब हमने करना है, अपने लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी इज्जत के लिए करना है हम लोगों ने, तो ये चीजें जब कलेक्टिवली अगर ग्राउंड के ऊपर आ जाए ना तो लिटरली आपकी टीम डेंजरस होती है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जब ये पीसीबी चेयरमैन का जो आपने जिक्र किया, ये सब होने के बाद जो है टीम को सपोर्ट किया गया, एक सॉफ्ट कॉर्नर टीम के लिए बना, बाबर को सपोर्ट किया गया है कि नहीं इन्होंने गलत किया है, बोर्ड गलत कर रहा है, हमारे खिलाड़ी सही हैं, और जब ये कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे देखा और लोगों से उन्हें पता चला, उनका फीडबैक मिला, तो भी एक स्पार्क आया है टीम में और वो दिखने में भी आया। ये बताइए न्यूजीलैंड से हमें जीतने के लिए दो खिलाड़ी हेनरी और फर्गुसन जो है अगर ये अनफिट हो जाते हैं तो लगता है आपको कि हम 80-90 रन से जीत जाएंगे? देखें जिस तरीके से पिछला मैच पाकिस्तान ने खेला तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स ही आपने खेला था, आपको याद हो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इफ्तिखार को सेकंड कमांड बॉल के अंदर ले आएंगे स्पिन करने के लिए, इफ्तिखार ने उसने अच्छी बॉलिंग करवाई है वैसे न्यू बॉल के साथ, बल्कि वो आदि नहीं इस चीज़ के, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ सोचना पड़ेगा। और आई गेस कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है टॉस बड़ा मैटर करेगा, फिर मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान पहले करता है तो पाकिस्तान के जेहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें 350-350 के करीब स्कोर करें हम, और फिर न्यूजीलैंड को जो हम लोग 200 पे आउट करें या हम लोग 100 रन के मार्जिन से, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। लेकिन देखें मार्जिन अपनी जगह है जो भी मामला आते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपके जो बाकी के दो मैचेस रह चुके हैं वो आप जीतें, आप हायर नोट पे जाएं, नेट रन रेट अपनी अलग चीज़ है, क्योंकि दोनों मैच आपके तगड़े हैं, आपका एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है एक आपका इंग्लैंड के खिलाफ है, तो भी परेशानी यही होगी क्योंकि एक उनका पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ है, अगर वो एक और मैच हारते हैं तो परेशानी उनको होगी नेट रन रेट वाले मामले पे, क्या उन्होंने भी ठीक करना होगा अपना नेट रन रेट। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि आप 100 रन अपनी जेन में रखें, जहां 100 की बात आती है फिर जब ऑन द प्लेइंग ग्राउंड आप होते हो तो कैप्टन या जो प्लेयर्स होते हैं उनके दिमाग में होता है 150 लीड इनकी लेनी है, तो वुड बी बेटर कि आप एक एग्रेसिव कैंपेन के साथ जाओ, एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाओ,
और उनको टफ टाइम दो पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो उसे ना छेड़ा जाए। आप ये बता रहे हैं कि उसामा मीर को भी कंटिन्यू किया जाए और वसीम जूनियर को तो खैर अब हिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि वो रिवर्स स्विंग अब हमें देखने में आ रही है जो पाकिस्तानी बॉलर्स की मशहूर थी। तो लेट्स सी क्या होता है सर, मैच के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा रابطہ करेंगे और इंशाल्लाह जीत का साथ मनाने की जो है वो ख्वाहिश है हमारी। अपना ख्याल रखिएगा ऑलवेज, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। नाजरीन ये तो हो गई जी क्रिकेट की बात। अब क्रिकेट से अगर हम आगे बढ़ें तो बच्चों को क्या ही शौक होते हैं, या तो उन्हें कहते हैं वो बाहर जाने दो क्रिकेट खेलने दो, माँ बाप कहते हैं जी धूप लगेगी काले हो जाओगे ये सबसे बड़ा आलमिया है, फिर बड़े होने के बाद गोरा होने के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा ये उससे बड़ा आलमिया है, क्योंकि हमारे तीन बड़े मसाइल हैं जो कि बहसीत पाकिस्तानी कौम हम फेस कर रहे हैं। एक तो हमें अच्छी दुल्हन नहीं मिल रही, अच्छी बहू नहीं मिल रही है, दूसरा ये है कि जी बीमारियों का इलाज ढूंढते फिर रहे हैं, और तीसरा है रंग गोरा करने वाली क्रीम जो कि आज तक किसी को नहीं मिली। तो क्रिकेट को हम रखते हैं साइड पर। अब बच्चों को अगर घर पे बिठाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें सेलफोन दे दीजिए, और बच्चों को सेलफोन देकर बहलाने वाले वालदैन के लिए एक बार फिर वार्निंग है कि मोबाइल फोन्स अपने बच्चों की पहुंच से दूर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बच्चा बीमार भी हो जाएगा और इस काबिल भी नहीं रहेगा कि उसकी जहनी सलाहियतें जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सकें। अक्सर वालदैन का शिकवा होता है कि फ़ोन और टैबलेट की शदीद आदत कैसे छूटेगी भाई बच्चों की, और बच्चों की जान कैसे छुड़वाएं इससे। तो माइंड साइंस कोच जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश अली, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िश सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो बच्चे सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, इसके कसूरवार आप किसे ठहराती हैं, बच्चों को या पेरेंट्स को? फिर उसके बाद डेफिनेटली पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी हमें बच्चों की कोचिंग से पहले पेरेंटिंग पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और वो पेरेंटिंग के लिए जो की नोट्स हैं वो क्या होते हैं जरा वो भी बता दीजिए आप, क्योंकि पेरेंट्स आपको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो इसी बात पर होता है कि बच्चे सुकून से बैठ जाए। पेरेंट्स हम माए कोशिश जान छुड़ानी है, जान छुड़ानी है। मुझे अपना सीरियल देखना है, मुझे अपना सीजन देखना है, बाप को फोन पे बातें करनी है, सास की बुराइयां करनी है, सारे खानदान की गॉसिप करनी है, अपडेट्स लेने हैं। तो बच्चा जब आके बाप और माँ से कुछ कह रहा होता है तो माँ कहती है अच्छा बेटा ये लो, जान छुड़ा देती है। नो नो बहुत सारी, ये तो आपने बड़ी शराबतें कह दी, हट परे ये ले मोबाइल, ये भी आए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो सबसे ज़्यादा हमें, और फिर हम बाद में कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, उसकी आईसेट भी कोरी है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो बैठा रहता है एक जगह पे, उसका वजन बढ़ रहा है, उसको सुन हो गया है। स्कूल में से कंप्लेंट्स आना शुरू जाती हैं कि आपका बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ाई में वीक है, और फिर जब उसको किताब देते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ आपने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। यानी रीडिंग में भी प्रॉब्लम। बिल्कुल रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं एक तो आई सेट, जो इसमें से जो ब्लू रेज निकलती हैं हमारे मोबाइल, हमारे टैब्स, हमारे गैजेट्स, ये जो है बच्चों की आँखों को, उनके दिमाग की सलाहियत को। सो हमारे पास तकरीबन जो फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न है सुसाइड का बिटवीन द एज ऑफ 15 to 29 वो है सुसाइड, क्योंकि बच्चे सोशल लाइफ से बिल्कुल कट चुके होते हैं, उनको अपने आसपास का पता नहीं होता, वो गैदरिंग्स में नहीं जा रहे होते, वो अगर किसी दावत में भी आप उनको ले जाएं तो वो आप देखेंगे, नोट करेंगे अपनी फैमिली कि वही कोने में मोबाइल लेके बैठे हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करना, कोई आंटी आके उनको सलाम कर दे उनको ये नहीं पता होता है मेरी फुप्पो या मेरी खाला। इस तरह से बच्चों का जो ध्यान होता है वो फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जाता है। फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी देखना शुरू कर देते हैं जो उनकी एज ग्रुप की नहीं होती। अब पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे होते, मोबाइल तो आपने दे दिया, टैब आपने दे दिया, मगर आपने ये नहीं देखा कि बच्चा अपनी एज ग्रुप की चीज़ें देख रहा है या नहीं देख रहा, वो किस जो है फेज़ में जा चुका है। फिर उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, वक्त से पहले बच्चे बड़े हो जाते हैं। तीसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो मुकाबला भी करते हैं। सवाल ये होता है कि तुमने अपने बच्चे को लेटेस्ट आईफोन दिया नहीं दिया? ओ हिटलर कुरैशी, ठीक है, कपूर साहब के बेटे ने ये किया। पेरेंट्स जो है, मेरे बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, मैं मदर, सो मैंने देखा कि पेरेंट्स मुझसे बहुत अक्सर पूछते हैं कि आपके बच्चों के हाथ में हमने कभी मोबाइल, लाइक मेरे बच्चों ने आज तक मोबाइल देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपने उनको बिल्कुल सोशल बायकॉट कर देना, आपने उनको देना नहीं, आपने इस चीज़ को रोकना नहीं, बट यस आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन, आपने बाउंड्री सेट करनी कर कि आपने कब देखना है कब नहीं देखना। अगर आप डिनर टेबल पे बैठे हैं तो आप नहीं रखें, आप रूल सेट करें अपने House बच्चे rules. के लिए, यस ठीक है, हाउस रूल्स, आउटसाइड रूल्स, अगर आपने किसी गैदरिंग में जाना है हेलो करा, अननेसेसरी एंड एक्सेस यूज नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। एक्सेस यूज तो देखिए ना, अगर आप एक टी स्पून शहद खाते हैं तो आपको मजा आता है, टेबल स्पून खा लेते हैं तो कड़वा लगने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे एक्सेस किसी भी चीज का जो है वो सिवाय इन्फॉर्मेशन के सही नहीं होता है, तो एक्सेस आप किसी पे भी ना जाए। बाकी जहां तक आपने बात की ना कि बच्चे सुन हो जाते हैं, तो मुझे, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, आई थिंक शायद विकिपीडिया पे या किसी और फोरम पे, उसमें एक बड़ा मशहूर कार्टून है डोरेमोन,
उसकी स्टोरी लिखी हुई थी कि जी नोबिता जो है वो एक रियल कैरेक्टर था, एक असली बच्चा था, उसने अपने जहन में इस बिल्ले को तख्लीक किया और 16 या 17 साल की उम्र में जाके जब उसे पता चला कि हकीकत में डोरेमोन नहीं है तो उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही है, वो इतना कनेक्टेड था उसके साथ, बिल्कुल ऐसे इस हद तक। और हमारे बच्चे अपने कैरेक्टर्स के साथ इतने ही कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल जब वो कहते हैं मेरी बर्थडे के ऊपर सुपरमैन होना चाहिए, आयरन मैन होना चाहिए, स्पाइडरमैन होना चाहिए। मैंने काफी केसेस ऐसे सुने हैं कि स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाते हुए बच्चे अपने टेरेस से जो है वो कूदें, टेंटांग तोड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अगर पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इस चीज को फोकस करें और एड्रेस करें कि उन्हें बताएं सबसे पहले कि ये सारी चीजें फेक है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने बच्चों को जब मोबाइल देते हैं तो हम उनको एजुकेट नहीं करते प्रॉपरली कि उन्होंने इस चीज़ को आगे इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि बच्चा बिजी है, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्कूल से भी कंप्लेंट्स ना आए। फिर आपको अपने सोशल मीडिया में भी बताना होता है, अपने सोशल सर्कल में भी ये बताना होता है कि मेरे बच्चे के पास वो लेटेस्ट एप्पल का आईफोन है या उसके पास लेटेस्ट आईपैड मौजूद है और वो उसकी एज कितनी है, 2.5 साल। उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस वेबसाइट पर जाना है, किस पर नहीं जाना। आपने यूट्यूब ऑन करके दे दिया, यूट्यूब किड्स अलग आता है जी। मगर बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता क्योंकि उनके अपने सेलफोन्स में नहीं है और उनमें रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती है ना, वो कहते हैं यार इतनी प्रॉब्लम में कौन जाए बस। बिल्कुल। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी डिवाइस में पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं जिसमें है। आप अच्छा ये मैं सिर्फ एक और बात बोलूँगी, मोबाइल फोन के अलावा टीवी, नेटफ्लिक्स है, उसके अंदर भी चैनल्स के अंदर आप एज ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, पासवर्ड लग सकते हैं कि आप अलग चैनल बन सकते हैं, किड्स के अलग होते हैं, प्रोफाइल अलग होती है, उसमें बच्चे जाएँ। अच्छा मैंने एक और चीज़, पेरेंट्स जो हैं वो अपने उनके जो अपना खुद का होता है ना, सब कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वो ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मेरा बच्चा ने ये प्रोग्राम नहीं देखा तो वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास 2 साल पहले एक केस आया जिसमें बच्चों की एज थी तकरीबन 5 साल और 8 साल। वो बच्चे बोलते नहीं थे और वो कार्टून लैंग्वेज में बात करते थे। अच्छा। तो उनके पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनकी कोचिंग कर सकते हैं। अब एक बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, अपना प्रॉब्लम नहीं, वो कार्टून एक लैंग्वेज में एक्ट भी करते थे, वो चलते भी ऐसी थे। फिर इस तरह से मेरे पास एक और केस आया, मेरी अपनी फैमिली का ही एक्सटेंडेड फैमिली का एक केस था जिसके अंदर एक बच्चा था जो लायन किंग फिल्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो लायन की तरह एक्ट करता था, ही यूज्ड टू वॉक लाइक लायन, वो खाता भी मुंह से डायरेक्टली था लायंस की तरह। तो ये हमारे हम जब ये बिहेवियर एकदम से नहीं आता, ओवरनाइट नहीं आता कोई भी चीज़ की, अब रात में सोए और सुबह में ये बिहेवियर आपने बच्चे में देखा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो रहा होता है। सो हमें सबसे पहले इस चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है कि मोबाइल फ़ोन की आप रूल्स सेट करें घर के अंदर कि बच्चा प्रॉपर स्लीप ले, उसके कितने आवर्स ऑफ स्लीप होने चाहिए, अगर उसने मोबाइल इस्तेमाल करना है तो किन टाइमिंग्स में इस्तेमाल करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन टू माई किड्स, मैं बच्चों का एक टाइम सेट करती हूँ कि भाई आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक मोबाइल देखना। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है लाइक एज अ पेरेंट, और मैं बाकी पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करने की आपने बात की, हमारे पास एक वीडियो है, मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें। तो उनकी वालदा जो हैं वो सो गई हैं और बच्चों को टास्क दे के सोई हैं, देखें ज़रा हो क्या रहा है। ये देखें बच्चों को जो है वो ड्राइंग का टास्क मिला हुआ है और अम्मा जो हैं वो मज़े से सो रही हैं, बच्चों को टास्क में लगा दिया है, कोई एक किस्म की रेस चल रही है और बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले पेंटिंग बनाएगा उसे कोई गिफ्ट या कोई चॉकलेट या कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में मोबाइल देने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप मोबाइल बच्चों को देते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि मोबाइल के ऊपर वो देख क्या रहे हैं। फिलहाल एक क्रिएटिव एक्टिविटी चल रही है, मेरे नज़दीक जो है वो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मोबाइल के, कि अगर आपने ऐसा कोई एक्टिविटी में बच्चों को लगाया हुआ है तो ये ज़्यादा सही है। राय जो है वो मैं आपकी जानना चाहूँगा कि क्या ये सही है या नहीं। अच्छा देखिए, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे आउटडोर की फैसिलिटी नहीं मौजूद होती, घर के बाहर कोई पार्क नहीं होता, ये एनवायरनमेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये एक्टिविटी बिल्कुल ठीक भी है, मगर हाँ माँ को ज़रूर ये देखना चाहिए, बेफिक्र होकर ऐसे सो भी नहीं जाना चाहिए कि बच्चों को आप बिल्कुल ही निगलेक्ट करके अपनी जान छुड़ा के आपने कागज़ पेंसिल दे के छोड़ दिया। ज़रूर देखें कि वो बना करें, बेहतर ही होता है कि उनके साथ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब जब बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे की लर्निंग भी इससे बढ़ेगी, बच्चा इंजॉय भी करेगा और आपका एक रिलेशनशिप भी जो पेरेंट का और बच्चे का है वो डेवलप होगा। बच्चा ने ड्राइंग करी, माँ ने बोला हाँ ठीक है वेरी गुड, बच्चे ने बोला अच्छा ठीक है, कल को वो आपके साथ यही बिहेवियर रिपीट करेगा क्योंकि बच्चे मॉडलिंग से सीखते हैं। अगर आप बच्चे को ये कहें कि हाथ मत लगाओ या ये मत कहो, वो सुन लेगा आपकी बात,
मगर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने आपको करते हुए ऐसा कभी नहीं देखा। सो बच्चों को सिखाने से पहले बी देयर मॉडल्स, रोल मॉडल्स। हम देखते हैं कि फादर जो है घर पर आ रहे हैं, मोबाइल लगा हुआ है, डिनर तक मोबाइल चल रहा है, फिर किसी गैदरिंग में बैठे मोबाइल चल रहा है, बच्चों से बीवी से बातचीत नहीं हो रही है, माँ फिर अलग अपना मोबाइल उठा लेती है, बिस्तर पे लेटे हुए टीवी चल रहा है। तो आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी प्लान करें, वीकेंड्स प्लान करें, एक टाइम जब आप घर आ जाएं तो आप डिसाइड जो ऑफिस ऑफिस में ही। अच्छा, आप ये बताइए ना नाज़िर साहिबा कि अगर हम अपने पूरे 24 घंटे को प्लान करना चाहें बच्चों के लिए और एक्टिविटी करना चाहें, कोई आप बाहर जाएं खेलने के लिए, क्या किया जाए, मतलब उन 24 घंटों को कैसे डिवाइड किया जाए, जरा ये तो बताएं। बिल्कुल सही है। सुबह में बच्चे आपके स्कूल गए, बिल्कुल गए, ठीक है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि वो अपनी जो कुकिंग की एक्टिविटीज़ हैं या जो भी उनके हाउसहोल्ड कोर्स हैं, उनके अपने काम हैं, वो उनको बच्चों के आने से पहले पहले मैनेज कर लें ताकि जब बच्चे आएँ तो वो उनको फुल अटेंशन दे सकें, ना कि बच्चों को आप छोड़ के अपने कामों में लगे हैं। वंस किड्स आर एट होम, स्पेंड टाइम विद देम। अगर आपने उनकी किसी क्लब में मेंबरशिप्स करी हो, आजकल बहुत सारे हमारे पास क्लब्स मौजूद हैं, बहुत सारे आउटडोर स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसके अंदर आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडोल योर चाइल्ड इन दोज एक्टिविटीज़ और उसके साथ जाएं, ठीक है। वंस द चाइल्ड इज बैक, आपने होमवर्क करा, आपने डिनर करा, स्पेंड टाइम क्वालिटी टाइम, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन आ जाएगा जी इतने पैसे कहां से लाएंगे क्लब की मेंबरशिप ले लें, जैसे लोगों के लिए बताएं ना, गरीबों के लिए भी कुछ बताएं एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखें इसमें गरीब अमीर कुछ भी नहीं, तो फिर आपने क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी है, कहां से पैसे लाएंगे भाई। रिक्रिएशनल क्लब आपको पता है कितने महंगे हैं, देखें वहां पर सिर्फ स्विमिंग के लिए आप जाओ तो 3000 रुपए ले लेते हैं पर डे के। आप जो है क्लब की मेंबरशिप ना उसे छोड़ें, बस बच्चे को लेके निकल जाएं, उसके बाद क्रिकेट चले जाएं, क्रिकेट चले जाएं, अपने बोर्ड गेम खेलें, कोई कॉरिडोर में खेल लें, कोई हाँ बोर्ड गेम खेल लें आप, मतलब एक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कोई एक्टिविटी, कोई बुक ले लें, बुक तो घर में मौजूद ही, एक घर में मिनी लाइब्रेरी बना लें, बच्चे की पसंद की किताबें रख लें उसके अंदर, उसके साथ रीडिंग करें, अपने बच्चे को बोले तुम पढ़ो मैं सुन रही हूँ, ठीक है ना, उसके साथ पार्टिसिपेट करें, इंगेज करें, यानी ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी किस्म की एक्टिविटी में रखें आप स्कूल से आने के बाद बच्चों को, डिस्ट्रैक्ट 1.5-2 घंटे तक रखें आप उस एक्टिविटी में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, और आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, एवरीबॉडी इज नॉट अफोर्ड, कैन नॉट अफोर्ड, वो हल बताना है जो सब कर सके। देखिए सब आराम से किताबें ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना, और आप बुक शेयरिंग भी कर सकते हैं, लाइब्रेरीज मौजूद होती है, ले सकते हैं, चॉक ले सकते हैं, यस, आपके पास घर में है, आपके पास पेपर पेंसिल मौजूद होते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं, पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी जो है डू इट योरसेल्फ DIY करके आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज होती हैं, आप बेकिंग कर सकते हैं बच्चों के साथ, अपने साथ उनको किचन में इन्वॉल्व कर लें, तो एक्टिविटी हो गई 2 घंटे की, अब आगे का बताएं, ठीक है, अब क्या किया जाए, बच्चे सुला दें, पावर नैप, आप पावर नैप बिल्कुल दें, क्योंकि देखिए बच्चों का अगर स्लीप टाइम कम है और बच्चों की देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो फंक्शन कर रहा होता है, इट ऑल्सो नीड रेस्ट, एक कंप्यूटर होता है पूरा दिन चलता है, रात में अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। हमारे यहाँ एक और ये भी चीज़ है कि हम बच्चे को या तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं कि बच्चे 10-11 बजे सो रहे होते हैं, बच्चों का स्लीप पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-11 बजे बच्चे कहीं भी सो जाते हैं, तो जी स्लीप पैटर्न को भी जो है वो आपने फोकस करना है, एक्टिविटीज भी रखनी है उनके साथ घुल मिल जाना है, उनके सामने मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो काम ना करें एटलीस्ट जब तक वो बच्चे हैं तब तक जो है वो आप उनके सामने वो काम ना करें, और बच्चे तो खैर जिंदगी भर ही रहेंगे वो आपके, मेरा मकसद है कहने का जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते तब तक आप उनके सामने अवॉइड करें उन चीज़ों को। थैंक यू सो मच नाजी, आप हमारे साथ ही, उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ने जो आपकी बातें सुनी होगी उस पर अमल भी जरूर करेंगे, क्योंकि सुन लेते हैं अमल बहुत कम करते हैं, तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि यह अमल कर लें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक वक्फा शामिल करेंगे प्रोग्राम में क्योंकि वक्फा जरूरी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी नाजरीन वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं, और अब चलते हैं पंजाब की जानिब। पंजाब की निगरा हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए स्मॉग एमरजेंसी नाफिज कर दी है, स्कूल और सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। अब ये देखना है कि जब के स्कूल्स में 1 माह की पाबंदी लगा दी गई है तो आने वाले दिनों में इलेक्शन भी जो है होने वाले हैं, मुतवक्का अगर माह की बात की जाए तो जनवरी की बात की जा रही है, और जनवरी का महीना भी पंजाब में स्मॉग लेकर आता है, तो हो सकता है कि आगे इलेक्शन पर भी इसका दबाव आए, और जैसे जैसे दिन करीब होते जा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा हमें अभी तक मालूम नहीं है। खैर स्कूल्स में जो पाबंदी लगी है प्राइवेट स्कूल्स के, हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट जो हैं वो मौजूद हैं,
उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। रजा रहमान साहब हमारे साथ जी। रजा साहब जनाब, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि ये पाबंदी लगी है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छा एकदम है। अगर आप पिछले अदवार देखें, पिछले कई साल देखें, चार पांच साल देखें, तो उसमें तो लगातार ये था कि बच्चों को स्कूल में छुट्टियां दे दी जाती थी। बिल्कुल। और छुट्टियों की वजह से बच्चों का जो तालीमी नुकसान होता था उसको पूरा करने के लिए आप कह लीजिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती थी और बहुत सारे बच्चे उसको रिकवर नहीं कर पाते थे। मास्क लगा के आना तो एक डिसिप्लिन की निशानदेही है, एक बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एक मौका है। मास्क लगाना तो बेहतर है हमारे लिए। देखें, जो कल भी वजीर अला साहब से बहुत सारे माहरीन जो माहिर हैं, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के माहरीन हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसमें ये बात वाजे उन्होंने बताई कि स्कूल में बच्चों के आने की वजह से या उस ट्रैफिक के बर्डन की वजह से स्मोक नहीं होती। स्मोक तो ऑलरेडी चूंकि आप 43% ऑफ योर स्मोक का जो है 43% जो है वो ट्रैफिक की वजह से है। आप 43% ट्रैफिक को तो नहीं रोक सकते, तो फ्यूल कंजप्शन को तो आप नहीं रोक सकते। इसलिए आप स्कूलों को बंद ना करें, क्योंकि हर साल जब ये स्कूल बंद करते थे उस पे मेरी तरह के लोग और बहुत सारे लोग आपके चैनल जितने एजुकेटर्स हैं वो ये कहते थे कि स्कूल बंद करना कोई इसका हल नहीं है बल्कि बच्चों का उल्टा नुकसान है। तो ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने आपकी बात सुनी है, एजुकेटर्स की बात सुनी है और उन्होंने ये बात सुनने के बाद बच्चों को छुट्टियां नहीं दी। बच्चों को कहा आप मास्क लगा के आए और मास्क से आप अपनी भी हिफाजत करें और आप एक सोसाइटी में एक रोल मॉडल भी बने कि मास्क लगाना स्मॉग के अंदर कितना जरूरी है और उसके कितने फायदे हैं और उससे हम एक बीमारी से इससे भी बच सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब कोविड था तो उस वक्त भी हम मास्क लगाते थे और बच्चे ही हमारे बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव थे जो मास्क लगा के पूरी दुनिया को बताते थे कि जी मास्क लगाने से। नहीं रजा साहब, जब कोविड का आपने हवाला दिया, जब कोविड आया तो बच्चे तो स्कूल आ ही नहीं रहे थे, वो तो घर से जो है उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, उसके बाद जब स्कूल खुले थे तो कुछ अरसे के लिए मास्क और हाइजीन पर तवज्जो दी गई थी, लेकिन उस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बच्चों को ही मास्क पहनाने में आ रही थी। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसके सबसे ज़्यादा असरात भी जो है मनफी असरात करें तो उन्हीं पर वाजे होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो मास्क पहने जी, लेकिन ये शुरू में बहुत मुश्किल रहा लेकिन आप आके 3-4 साल की प्रैक्टिस के बाद अब बच्चे यूज टू हो गए हुए थे और अक्सर बच्चे तो कोविड के बाद भी स्कूल में मास्क पहन के आते रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स थोड़े कॉन्शियस हो गए थे, बच्चे खुद कॉन्शियस हो गए थे, बचना चाहते थे। अब बड़ी तादाद में तो बच्चे पहन के आते हैं लेकिन एक इसमें एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पे ना तो ऐसी कोई फैसिलिटी है, ना उनके वालिदैन अफोर्ड करते हैं और ना वहां पे कोई इतनी पाबंदी की जाती है, तो वहां पे जरूर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। अदरवाइज जो ये प्राइवेट इदारे हैं, सर्विंग स्कूल्स हैं, इनमें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया बल्कि बच्चों ने और वालिदैन ने तो इसको वेलकम किया और मेरा ख्याल है कि अब बहुत आसान है बच्चों के लिए। हम अक्सर बच्चों को मास्क में स्कूल बुला लेते हैं कोई भी ऐसा मामला हो जब हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी बेहतर, रजा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट जो है लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे भी जो है वो सूरत हाल जान लेते हैं, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सेक्टर स्कूल्स की जानिब से एक नोटिफिकेशन तमाम सीईओस को कहा जाता है कि तमाम स्कूल्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दें कि तमाम जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया, लेकिन आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में उस तरह मास्क नहीं पहना जाता जैसे मियाँ रजा और रहमान बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आज भी मुख्तलिफ जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों ने मास्क नहीं पहना हुआ था और टीचर्स की जानिब से उस तरह उनको कहा भी नहीं जा रहा कि जी आपने मास्क को लाजमी पहनना है। और हर साल की तरह इस साल भी लाहौर में जो स्मोग है वो बहुत ज़्यादा है और दुनिया भर में जो लाहौर है आज भी जो है वो पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं उनमें आ रहा है, तो ओवरऑल हर साल होता है। देखना ये होगा कि किस तरह जो है स्मोक बढ़ती है, ये ईंटों के जो चिमनी भट्टे होते हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों का जो इंजन ख़राब होते हैं उनका से जो धुआं निकलता है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो फसलों की बाकियात हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिससे स्मोक बनती है। और उसके बाद इसके तदारुक के लिए पूरा साल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया बात की जाए या हुकूमत बारे वो अपनी नींद सो रही होती है, और जैसे ही स्मोक बढ़ती है नवंबर में अक्टूबर में तो तब जो है ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है
कि क्या स्कूल में जो बच्चे और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा और बाकी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर क्या स्मोक नहीं उनको इफेक्ट करेगी? अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो है वो मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें अगर बात करें थ्रॉट जो गले हैं उसकी बीमारी के साथ आ रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, आँखों में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पर भी ट्रीटमेंट तो जाहिर सी बात है लाहौर के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं पंजाब के रिवैम्पिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर भी इलाज मुआवजा उस तरह नहीं किया जा रहा क्योंकि बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं, जिसकी वजह से तमाम जो सामान है इधर उधर किया हुआ है। तो ओवरऑल जो अगर बात की जाए तो स्मोक जो है आज भी एक गंदा तरीन जो शहर है वो लाहौर है पूरी दुनिया में, और स्मोक की वजह से स्कूलों में भी उस तरह प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, मास्क नहीं पहना गया और बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे हैं उनके इम्यून सिस्टम जाहिर सी बात है वीक होते हैं और वो इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है और फिज़ा जो आलूदा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो तब ये गले को इफेक्ट करती है, स्किन की प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती है। और डॉक्टर से भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले, अगर निकलना है बाइक पर तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आप हमारे साथ थे। रज़ा रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने स्कूल की जानिब से जो है बताया कि किस तरीके से मास्क पहनाने के ऊपर पाबंदी को इस वक्त आयद किया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश और गुजारिश पंजाब हुकूमत से यही है कि जी गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है वो इस पर प्लीज़ चेक एंड बैलेंस जो है वो बरकरार रखिएगा, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वो भी इस मौके से बचें। और नाजरीन अब बात कर लेते हैं कुछ ख़तरनाक गेम की, जिसके अंदर मोहम्मद अली ने भी नाम कमाया है, जिसके अंदर माइक टायसन ने भी नाम कमाया है, और अब जिस शख्स ने नाम कमाया है उसकी अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग रिंग के किंग क्वेटा में पैदा होने वाले मोहम्मद वसीम की ज़िंदगी सख्त मेहनत और जद्दोजहद से इबारत है। मुश्किल हालात, महदूद वसाइल और मौके की कमी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सख्त मेहनत से बॉक्सिंग की दुनिया में ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। वेलकम वेलकम टू द शो, आप पूरी कौम के लिए फख्र और फख्र की मिसाल हैं। बॉक्सिंग की दुनिया में जो शोहरत आपको हासिल हुई पाकिस्तान में शायद ही किसी और बॉक्सर ने हासिल की हो, प्रोफेशनल कैरियर हो या फिर आपके जो भी शौकिया आपने लड़ाइयाँ लड़ी वो, आपका कैरियर जो है टाइटल से भरा पड़ा है। लेकिन ये सफ़र शुरू कैसे हुआ हमारे नाजरीन ये जानने में बहुत ही शदीद दिलचस्पी रखते हैं, तो बताइए शुरुआत। काफ़ी मुश्किल वक्त में मैंने ये बॉक्सिंग की और बहुत कम सहूलत, बहुत न होने वाली फैसिलिटीज़, जो ख़ासकर क्वेटा में हमारी जिम में यूथ बॉक्सिंग क्लब स्टिल कोई सपोर्ट नहीं, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, तो वहाँ से हमने स्टार्ट ली थी और काफ़ी ज़रा मेहनत की थी और बहुत स्ट्रगल करना, मतलब इवन हमारे पास ये भी जूते भी नहीं होते थे और टिकट के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन करते कराए कोचेस के मेहनत और टीम का मेहनत तो वो रंग ला के अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसी जगह पे जो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है और दुनिया में बेस्ट लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पाकिस्तान की को लोग जानते भी नहीं है वहाँ जाके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग लेके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी है वो रॉकी बैल्बोआ से काफ़ी इंस्पायर्ड है, खैर उन्हें इटालियन स्टैलियन का लकब दिया गया था और आपको फाल्कन के नाम से पुकारा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी थी? और आपके बॉक्सिंग कैरियर की बात करें तो अब तक का सबसे यादगार लम्हा या कहूँगा सबसे यादगार मुक्का जो है वो कौन सा था? फाल्कन इसलिए मुझे कहते हैं, एमेचर बॉक्सिंग में मेरा नाम था चाइना मैन मुझे पुकारते थे, लेकिन जैसे ही मैं प्रोफेशनल में आया 2015 में, उसके बाद मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी बॉक्सिंग में, बहुत कम फाइटर्स है जिसकी जो एंड स्पीड इतनी ज़्यादा हो, तो एंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से हम दोस्तों ने ये डिसाइड किया, कुछ दोस्त थे बड़े मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे बैठे में, तो हमने ये डिसाइड किया कि फाल्कन बेस्ट रहेगा और फाल्कन बड़ा अच्छा एक सोबर नाम भी है, तो हमने अपना नाम चेंज करके चाइना मैन से द फाल्कन किया। बिल्कुल जी ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बॉक्सिंग कैरियर में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? अभी आपने बताया कि हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चैलेंजेस आपके सामने आए वो कैसे आपने फेस किए?
देखिए चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमें हुए हैं। स्टिल बॉक्सिंग में जितने आप देखो टैलेंट यहाँ पे बॉक्सिंग में टैलेंट की कमी नहीं है, ख़ासकर बलूचिस्तान में बहुत लेवल का टैलेंट है। आई थिंक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मुझसे बहुत बेहतर बॉक्सर्स वहाँ से निकल सकते हैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और उनको स्पॉन्सर मिले और उनके जिम में उनकी फैसिलिटीज़ मिले तो दुनिया में आई थिंक दूसरा मैक्सिको बलूचिस्तान बन सकता है। और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमने तो काफ़ी सफ़र किया, हमें कोई सपोर्ट नहीं था, हमने जिस तरह अपनी ज़िंदगी बॉक्सिंग में हमने गुजारी है आई थिंक किसी स्पोर्ट्स में किसी एथलीट ने इतना स्ट्रगल नहीं किया होगा, क्योंकि बॉक्सिंग एक दुनिया की बहुत टफ स्पोर्ट्स है। लोग इस स्पोर्ट्स में अगर वो आना भी चाहे तो वो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग इतनी ख़तरनाक है कि आप इसकी ट्रेनिंग में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पर डे 10 से 12 माइल्स हम भागते हैं और फिर हमारी जो डाइट है वो बहुत महदूद है। अब 5 मंथ्स से ज़्यादा हो गए कि मैंने कार्ब्स नहीं खाए, ब्रेड नहीं खाया। इसमें आप अपने आप को एक वेट पे आपको रखना होता है, आपको स्ट्रिक्ट डाइट करना होता है, मेहनत करनी होती है, घर में फैमिली के साथ आप बैठ के वो चीज़ आप खा नहीं सकते जो एक नॉर्मल इंसान खाते हैं। तो बहुत ही टफ स्पोर्ट है, बहुत हार्ड स्पोर्ट है, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है इस कंट्री में कि बिल्कुल जो टफ स्पोर्ट्स है वो बिल्कुल इग्नोर है और सपोर्ट नहीं है, ज़ीरो सपोर्ट है। हमारी बॉक्सिंग एक टाइम में बहुत ऊपर थी, आज हमारी बॉक्सिंग ज़ीरो पे है। बड़ा अफसोस होता है ये देख के। मैं तो यहाँ से निकल गया हूँ और मैं रिप्रेजेंट स्टिल पाकिस्तान को कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फैसिलिटेट और मुझे लुक आफ्टर बाहर के लोग कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही पाकिस्तान के लिए एक एम्बेरस होने की बात है और हमारे लोगों के लिए। बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप और आपका पॉइंट है। नाजरीन जो है वो डरे ना, मैं उन्हें बता दूं कि भाई ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने कहा डेथ भी हो सकती है, तो डेथ तो आपकी सड़क क्रॉस करते हुए भी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सड़क क्रॉस करना छोड़ दें, आप ट्रेनिंग ज़रूर करें और कुछ वाकयात ज़रूर होते हैं ऐसे, पर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपका फाल्कन नाम कैसे पड़ा, आप फ्लाई वेट बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी रफ्तार और चुस्ती की वजह से जाने जाते हैं, इस स्टैमिना का राज क्या है? डाइट तो आपकी पता चल गई है, लेकिन ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे सेशंस करते हैं आप? फ्लाई वेट मेरा जो वेट कैटेगरी है 112 पाउंड्स, जो 50.5 है तो 50.8 किलोग्राम्स है, तो ये एक बड़ा ही लाइट वेट है। इसमें स्पीड भी होती है, पावर भी होती है, लेकिन अगर आप 15-16 किलोस कम करते हैं तो काफ़ी हार्ड होता है ये। आपकी स्पीड तो रहती है लेकिन आपका पावर ख़त्म हो जाता है इसमें। ये एक टफ वेट है जिसमें बहुत कम फाइटर्स आते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक सूटेबल वेट है। अच्छा बैक्स के बारे में अगर हम बात करें, और जहाँ तक मैंने इस खेल को देखा है, जाना है, समझा है, मोहम्मद अली साहब की जो है वो हमने बॉक्सिंग देखी है, माइक टायसन को लड़ते हुए देखा है, तो बॉक्सिंग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी गेम भी है। जिस तरीके से आप उसे 15वें राउंड तक या आखिरी राउंड तक लेके जाते हैं नॉकआउट के लिए, हार ना मानना, रिंग में डटे रहना बड़ा अहम होता है, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है हमारे नाज़रीन को बताइए प्लीज़। बिल्कुल मेंटल गेम, आई थिंक फिजिकल गेम से ज़्यादा ये मेंटल गेम है। आपको इस रिंग के अंदर आपको बड़ा कूल रहना पड़ता है और फोकस रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आई थिंक फोकस ही आपको रहना हो, और आपकी जो है रिंग से पहले आपकी स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने हरीफ को वहाँ पे ट्रबल दें। बिल्कुल रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली शार्प होना, सेंसेस को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, एक मुक्के में गायब हो जाते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए कौन कौन से मजीद टाइटल लाने की ख्वाहिश रखते हैं, और जो बॉक्सर आपको फॉलो करते हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंशाल्लाह स्टिल कैंप में हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और बड़ा न्यूज़ आने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल की तैयारी मैंने लास्ट 4 मंथ की है यूके में, तो अभी यहाँ पे एक
काम के सिलसिले और फैमिली को देखने आया हूँ, तो इंशाल्लाह दोबारा कैंप ज्वाइन करूँगा और वर्ल्ड टाइटल बहुत जल्द करेंगे और पाकिस्तान के नाम करेंगे वर्ल्ड टाइटल। और यंगस्टर्स को मेरा यही है कि मेहनत करें और कभी हार ना माने, और बॉक्सिंग बड़ा टफ स्पोर्ट है, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस स्पोर्ट में, लेकिन अगर कोई बंदा इसमें, कोई बच्चा इसमें स्ट्रांग रहता है, फोकस रहता है, और इंशाल्लाह वो आगे वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल जी मोहम्मद वसीम, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने बताई कि जी मेहनत करें, फोकस करें, कोई भी टाइटल जीतने के लिए ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच। और जो आप वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं, और सारा मीडिया जो है वो आपको फॉलो करेगा, बेफिक्र रहें आप, आपका गिला बजा है कि इसे इतनी हाइप नहीं मिलती स्पोर्ट को, लेकिन अब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं, जहाँ इन्होंने अपनी सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ दिखाई, वहाँ कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे बिनाई से अगर आपकी महरूमी हो तो आप कुछ खास कर नहीं पाते हैं। इसे गलत साबित कर दिया है पेशावर की एक बाहिम्मत तालिबा ने। अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया कि पुख्ता इरादे और मेहनत से इंसान वो मकाम हासिल कर सकता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता हो। इनसे आपकी मुलाकात हम करवाएँगे एक छोटे से वक्फे के बाद, ताकि गुफ्तगू में कोई खलल पैदा ना हो। नाज़रीन की वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मुलाकात जारी रहेगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं सबीना सैयद, जिनकी रिपोर्ट आपने ब्रेक से पहले देखी, सुनी, जानी, उस बहादुर खातून से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबीना वेलकम टू द शो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीना सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी इस डिग्री के लिए, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट में तो हमें पता चल गया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिस तरीके से आपने बताया और सारी चीज़ें जो भी हुई, अब आगे के प्लान्स क्या हैं ज़रा वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। पहले तो हॉल में बहुत ज़्यादा मुझे जिन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, उसके बाद जिन लोगों को भी इस बारे में पता चल रहा था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बेस्ट विशेस किए, तो थैंक यू सो मच। और अभी जो आप लोगों ने मुझे शो में बुलाया, और मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू। मुझे ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई सामने, बस यही था कि मैं स्पेशल थी, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, तो घर से निकलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता, तो वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं अक्सर बाइक के साथ चली जाती और कभी ड्राइवर के साथ चली जाती, मतलब ट्रांसपोर्ट इशू था वो भी ज़्यादा नहीं था। सही, बेहतर। अच्छा ये तो मुश्किलात हो गई, मैं अब जानना चाहूँगा कि ये सफ़र तो हो गया मुकम्मल, अब आगे जो है वो आप क्या करना चाह रही हैं? डिग्री मुकम्मल आपने कर ली है, यूनिवर्सिटी में दीगर असातिज़ा और स्टूडेंट्स का रवैया आपके साथ कैसा था? क्या कभी किसी ने आपको एज अ मतलब इस तरीके से ट्रीट किया कि आप में कोई कमी है? सबसे पहले तो अभी मेरा जो है इस्लामिक स्टडीज़ में मेरी डिग्री कम्प्लीट हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छे से ये सारा कुछ हुआ। अभी रिसेंट मेरा स्पेशल एजुकेशन में सेकंड मास्टर्स है, जो जिसका लास्ट सेमेस्टर है, और वो कंप्लीट करने के बाद या उसके दरमियान मैं एमफिल के लिए अप्लाई करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। तो बस सबसे मेरी ये गुजारिश है कि दुआ करें मेरी सारे अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, पूरी कौम आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमें वक्त दिया। एक मरतबा फिर हमारी जानिब से आप मुबारक हो अपनी इस डिग्री की कम्प्लीशन पर, और फ्यूचर में भी आप जो भी काम करें अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और नाज़रीन अब हम बात कर लेते हैं, हमने ज़िंदगी का एक पहलू ये देखा जहाँ पर एक बाहिम्मत लड़की अपनी माजूरी को, अपनी डिसेबिलिटी को, जो कि बज़ाहिर है उसे इग्नोर करके आगे बढ़ी है, लेकिन अगर हम बात करें लाइफ की, एक ज़िंदगी की, तो लाइफ इज़ ए स्टेज, ऐसा मैं नहीं कह रहा, विलियम शेक्सपियर साहब 400 साल पहले कह गए, भुगतना हमें पड़ रहा है, अब हम किरदार बने बैठे रहते हैं हर जगह। स्टेज के ड्रामे अक्सर अपने लफ्ज़ों और किरदारों से वो पैगाम लोगों को देते हैं, बल्कि वो पैगाम लोगों को देने में कामयाब हो जाते हैं जो समझ
समझने में इंसान को काफ़ी वक्त लग जाता है। वो कहते हैं ना जी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं स्टेज के ऊपर, इसके आपके जहन पर जो मनफी असरात ऑलरेडी होते हैं उन्हें दूर करने में ये मदद करते हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जिम रॉबिन्सन, जो कि साइकोलॉजिकल प्रोफेसर भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं कासिम अवेज साहब, जो कि इस्लामाबाद की नस्ट यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। हम दोनों को वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो जिम एंड कासिम साहब, खुशामदीद। सर, साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विच हैज़ नो डेफिनेशन बिकॉज एवरी माइंड थिंक्स differently. So how do you manage? How do I manage as a psychology professor? Yes, sir. I try to do as much as possible and to make it as broad as possible without becoming so diffuse it's meaningless. Okay, and how do you explain this improvisational mental health which you always train in a group session? One of the things about improvisation, it's always impromptu, it's made up out of thin air, and the goal of improv is always to be right in the moment. And when we talk about anxiety, we're talking about dread of the future, we talk about depression, we're talking about sometimes bringing the past along with us that dampens our spirits. So using improvisation as a way to continually ground ourselves over and over in the moment is a way to deal with anxiety and deal with depression that's actually fun and interactive, collaborative. Okay, you talk about the past. If you promise me you're not going to hypnotize me, I'll definitely take a session. Because if you hypnotize me, you can ask me different questions and I don't know I have to answer you or not. Why, Kasim Sahab? Is this right or not? No, Kasim, you're absolutely right. Hopefully, we'll not be hypnotization today. But what we're saying is कि जब हम फिल बदी जो थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जब हम ये कुछ चीज़ें चीज़ें उनके कॉन्सेप्ट हम लेके इस्तेमाल करते हैं तो हमने ये बहुत हम तो सालों से चूँकि कर हमने देखा है कि इससे डिप्रेशन एंग्जाइटी इससे बहुत बेहतर आपको आपके जहन पे बहुत मुस्बत इससे असर पड़ते हैं और ये चीज़ हमने इतनी देखी कि हमने डॉक्टर साहब कम टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज बिन अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में आके हमने पिछले दो हफ्ते में तकरीबन 22 वर्कशॉप्स किए जिसमें हमने लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके ग्रुप सेशन में उनके साथ हम काम करते हैं और उनकी डिप्रेशन और उनकी एंग्जाइटी को लोअर करने में बहुत फ़ायदा होता है इसके लिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कासिम साहब, आप भी बताइएगा, देन आई विल आस्क जिम आफ्टर दैट, कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप कैटर कर रहे हैं, जिन्हें आप सुन रहे हैं लोगों से, ग्रुप थेरेपी दे रहे हैं, ये वक्ती है या फिर आगे जाकर भी इसका कोई फ़ायदा होता है? यानी कि अगर आपसे सेशन ली, आपकी वर्कशॉप लेट से 3 दिन की या 4 दिन की इस तरह से होती है, तो उन 4 दिन के बाद भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा? फ्रेंड, बिल्कुल हमें करना चाहिए। यूँ समझें कि ये कुछ स्किल्स हैं और स्किल्स को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। तो हम इन वर्कशॉप्स के थ्रू आपको दिखाते हैं कि ये रास्ते हैं जिनके थ्रू इनके ऊपर चल के आप वक्ती तौर पर तो आपको बिल्कुल उस दिन मूड भी अच्छा होगा, आपको एक पॉजिटिव फीलिंग भी मिलेगी, आपका डिप्रेशन भी कम होगा, एंग्जाइटी भी कम होगी, लेकिन ऑफकोर्स हर किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर करने के लिए उसको सस्टेन करना पड़ता है। सो वी गिव यू द वेज जिसके थ्रू क्या प्रैक्टिस करनी है, आपने किस सेटिंग में करनी है ताकि आपको इससे सबसे ज़्यादा फायदा पहुँच सके। ओके, सो द गोल इज एज फार एज आई गॉट इट, द गोल इज टू मेक पीपल हैप्पी, टू किल देयर एंजाइटी, टू किल देयर डिप्रेशन, इज दैट द की? लेट मी से दिस, sometimes that does happen. The bigger goal, I think, is to manage those kind of things. We're human beings, we will always have anxiety. Some of us will deal with depression, but improvisation gives you tools. So when you are feeling anxious, to be able to let it go for a moment, and because it's a moment by moment experience, exactly, you can go back to that repeatedly. People will always have anxiety, but improvisation is an interesting, fun way to deal with it in the moment and to, in some ways, to live with it more manageably. Okay, for our people, can we do a quick session for a minute or two if you can manage? Because people are getting very confused. How do you improvise the thing? If you can manage, then we can do the session. Otherwise. Doesn't matter. What could we do? We could try something. You want to fill in the blank with him, maybe? Yeah, why not? Okay, fill in the blank. So, in improvisation, you always go to the audience or you go to the other group participants. Members, the group members. Right, and you use them as inspiration and you always say yes to whatever they give. So, we could do a little interview. Sure. And from time to time, I will run out of inspiration. Okay. When I do, I'll gesture toward you and you should fill in the blank with the first thing that comes to mind. This is truly improvised. Okay. It's not going to censor, so I'm going to answer accordingly. I'll be very careful. Achha ji, ye game jo hai, psychological mind ki jo game hai, improvisation, ye hum ab khelne ja rahe hain. Aur fill in the blank jo hai, wo pehla hamara padav hoga. Aapka samay shuru hota hai ab. Now. Okay.
So if we were doing this, I might say something like, I'm so happy to be here on Bowl News. Is that, am I saying that right? Okay. And the thing that makes me most happy about it is... Tea. The tea that you have here is it's perfect. It's because the best tea. It is. I mean, and I can say chini in Urdu. So and the more chini you put in, the more sweeter it gets, and that makes it even more... Abhinandan. It makes it Abhinandan. Totally, and Abhinandan is what the only word I can explain this beautiful, beautiful tea. There's no better word. In fact, you know, sometimes when I call home and I try to explain to people this word, Abhinandan? Abhinandan. They'll say, what does that mean? And I'll say it means... Banana. Banana. And it's getting who would have known? Immediately. Who would have thought? Immediately they get exactly. It. Exactly. It's perfect on spot. So I'd rather hypnotize you, I think, but this is... Did it. I'm going to make a subtitle for the audience as well. लेकिन लोगों को अंग्रेजी आती है भाई, ऐसा नहीं है भाई. अभी जो है ना वो इम्प्रोव गेम चल रहा है, और जहाँ पर वो वर्ड मुझसे कहते हैं, जहाँ वो रुकते हैं, वहाँ मुझे फिल इन करना होता है. तो ये दोनों जो भी वर्ड रोक रहे हैं वो मुझे फिल इन करना पड़ा. आई थिंक पीपल गॉट द आइडिया एंड इट्स वेरी फनी. और इतनी ही देर के अंदर जो है मुझे वाकई बहुत मज़ा आया है इस इम्प्रोव के गेम में. सो आई एम श्योर पीपल लव इट. And how many people attend your session in one session? Well, we try to cap it around 25. We've done some pretty large sessions. We are on our 21st. Again, we're improvising all the time, so it doesn't matter how many audience comes in. Right. We improvise and we try to accommodate all of them. Is it a paid session? It's not a paid session. Can I tell you where it is? Mm-hmm. So we're having this workshop today and tomorrow at PSCC. अरे तो आपसे तो हम उर्दू में बात करते हैं सर. हम इंशाल्लाह आज और कल हमारी वर्कशॉप होगी. इट इज फ्री फॉर ऑल, कोई भी आ सकते हैं. ठीक है. सिर्फ रजिस्टर करें हमारे पेज पे. पेज हमारा है इंस्टाग्राम पे, CNC थिएटर. और वर्कशॉप जो है हमारी आज और कल पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर कराची में होगी जी. और इन्हीं परफॉर्मेंसेज के बेस करके हम एक कॉमेडी शो की परफॉर्मेंस करेंगे ऑन सैटरडे PSCC में. अच्छा, सैटरडे को हो रही है. चैलेंज जबरदस्त. हम सबको कहेंगे प्लीज वेलकम, यू मोस्ट वेलकम टू कम. सब आएंगे, हम भी आएंगे क्योंकि हमें भी एंजॉय करना है. हमें भी जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन किल करनी है. एंड वी वांट टू गेट डोपामाइन बाय द गुड साइड, बाय द लाफ्टर. या डेफिनेटली, डेफिनेटली. अच्छा, मुझे ये भी बताइए कासिम साहब कि आप किस तरह से कनेक्ट हुए जिम के साथ? हाउ डू यू कनेक्ट? भाई हमारी चूंकि जबान इम्प्रोवाइजेशन की जो है ना वो एक होती है. अरे वाह. वो चाहे हम दुनिया में कहीं भी जाएं, इस जबान के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है. अच्छा बनता है. तो जब इनकी ये हम एक US की ग्रांट थी जो कि इनको जो हमें रिसीव हुई, तो हमने जब इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से बात करनी शुरू की तो हमें लगा कि जैसे हम कोई बिछड़े हुए दोस्त हैं. क्योंकि पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने यूनिफाइंग हैं और इतने वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं. इतनी सॉलिड बॉन्डिंग बनती है कि वी कनेक्टेड इंस्टेंटली. और फिर ये पाकिस्तान आए, हम दो हफ्ते से लाहौर कराची, लाहौर इस्लामाबाद और कराची में वर्कशॉप्स कर रहे हैं. और हमारी 22 वर्कशॉप्स हमारी हो गई हैं अब तक. कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स किए, कॉर्पोरेट भी किए हैं हमने, प्राइवेट भी किए हैं हमने, पब्लिक भी किए हैं हमने. मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ गए हैं हम, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स में हम, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम गए हैं. और कराची में भी अभी चल रहा है इंशाल्लाह. एंड वी हैव दिस वंडरफुल सेशन फॉर एवरीवन टू कम. डेफिनेटली, डेफिनेटली भाई, क्योंकि लोगों को और ज़रूर जाना चाहिए. और फिर जब फ्री है तो फिर तो किसी को साथ भी ले जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए. सो यू गाइस डेफिनेटली एंजॉय इट. जिम, हाउ डू यू स्टार्टेड इट? How the journey started? For me? Well, I was in graduate school for psychology, and I had to do something fun. So I took an improvisation class, and I thought, I'll take one. And I loved it. And so I've been doing it now for 34 years. 34 years. Yeah. And how many countries left? Left. Yeah, because I know in 34 years, you have been to many countries. I was about to ask you how many countries you have visited, but you said 34 years, so I have to improvise my question that how many countries left? He's very good. He's really good. Very good. You should be on the show with us. Definitely. Yeah, please come. Yeah, I probably have about 174 left. So I have my work cut out for me. 174 countries left. Yeah. Oh my God. Yeah. So the journey is still too far. It's a challenge. How many languages you learn, or how many words in Punjabi? You have been Lahore, the Zinda Dilana Lahore. I think you might have learned something that you wanna... Oh yeah, well of course, Lahore. Because it's on air wala hai na? Haan, on air wala. Okay, Jim. So I can say Lahore, Lahore eh? Lahore, Lahore eh? Yeah. Jinne Lahore ni vekhya? Say it. Jinne Lahore ni vekhya? Jinne Lahore ni vekhya? You can say that. Yeah, say it again please. Jinne? Jinne? Lahore? Lahore? Nahi vekhya? Nahi vekhya? Nahi vekhya. Nahi vekhya. O? Jamiai? Jamiai? Nahi hai. Nahi hai. Good. It means the guy who never saw Lahore, he hasn't born yet. Yeah. So Lahore, Lahore. We talk big Lahore. Yeah. And what have you learned from Karachi? Give me your cell phone.
apart from that. I have loved Karachi. Yeah, I've had a wonderful time. I think it's a beautiful city. I grew up in Southern California, so the heat, the ocean, the palm trees, it's very reminiscent. Oh, the sound of the waves are mesmerizing. Yeah, it's beautiful. Yeah. Nice, yeah. Very nice, very nice. Yeah. Okay, tell me another thing. What have you eaten in Karachi? So far, nihari, paya? You're going to have to help me out here. We had chana masala. Yeah, we had lots of halwa puri. Halwa puri? Halwa puri is his favorite so far. Yeah. Oh, you just can't get enough of it. And I'm getting better. Okay, you're getting better with the bite. Yes. Movement. With the scoop. The impression. I'm better. In improvisation, you always mime everything. The organic spoon. So I can do it very well right now. Okay. When I'm eating, it's actually all over my... Oh, that's great. Okay, tell me one more thing, Jim. Have you ever been to Bangkok? Oh, I lived in Bangkok. You lived in Bangkok? Mm-hmm. There is a chain by your surname, Robinson. Why do you ask royalty? When I've been to the Robinson department store, I always think... You felt like owner? Yeah. I'm the Robinson man. I missed out. I really, I'm glad you know that. Because I have been there. Yeah. The reason I will share after the show. Okay, so we have a tarot card reader with us. And if you believe in the cards and the signs and the logic, Kazim Saab, aap bhi ise join kar sakte hain. Unsa hamare saath hai. Unsa, welcome to the show. Ji, assalam alaikum, good morning. Waalaikum assalam. Allah ka shukar ji, theek thaak. Acha, Kazim Saab hamare saath hain. Jim Robinson ne hame join kiya hua hai. They both are here. Aur apne shows ke baare mein, apne improvisational, jo inka mental health ko lekar ke ek program hai, uske baare mein, inke cards kya keh rahe hain, zara bataiye. Main aapko date of birth doon inki ya kya detail doon? जी, बस शो के बारे में पूछना है स्पेसिफिकली, तो बस मैं सैटरडे को होने जा रहा है इनका शो. देखिए, कार्ड तो बहुत जबरदस्त है. द सन का कार्ड है, और द सन का कार्ड फेम, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, happiness. और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है. तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होने वाला है इनका जो शो है, इवेंट है, और बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, और इनका नाम होगा, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है इससे. और ये जो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है इनका जो भी मकसद है इस शो करवाने का, पॉजिटिविटी का है. तो मुझे लगता है कि काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगी इस शो की वजह से, इनको फेम भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी. तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, सन जो है वो सबको रोशनी देता है ना, तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस का कार्ड है. Okay, so you guys are going to get happiness, prosperity and success for the show. That's the card set. Thank you so much. That's so wonderful. So nice. Thanks to her, because she's the tarot card. Thank you. I don't know if she says so. Definitely, it's going to be happen. Inshallah. If God knows the well. Okay, ji. Ab match ki baat kar lete hain. Unsa, bataiyega ki match jo hone ja raha hai Pakistan aur New Zealand ka, ye do and die situation wala match chal raha hai. Kya result aayega iska? तो इस वक्त जो है पाकिस्तान की, अगर न्यूजीलैंड के हिसाब से देखें तो पोजीशन वीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैच जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. न्यूजीलैंड वाले बहुत हार्ड वर्किंग टीम है, और वो इस मैच को मिस नहीं करेंगे. मतलब ये है कि लूज करते हुए नजर नहीं आ रहे. मतलब आप ये कह रही हैं पाकिस्तान हार रहा है ना? आपके कार्ड ये कह रहे हैं पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज द क्रिकेट मैच ऑन सैटरडे अगेंस्ट न्यूजीलैंड द डे यू गाइस आर परफॉर्मिंग इन पीएससीसी. आवर टीम विल डिफीट बाय द कीवीज. दैट्स व्हाट शी सेड. आपको ऐसा, आपके कार्ड ऐसा कह रहे हैं ना? ऐसा कार्ड तो कह रहे हैं, अब देखिए क्या होता है. बाकी तो खैर जाहिर सी बात है जी, अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतर जानने वाली है, और अल्लाह ताला ने जो लिखा होगा हमारे नसीब में वो मिलेगा. अब हॉरोस्कोप की बात कर लेते हैं. लेट मी आस्क द स्टार, व्हाट योर स्टार साइन? आई एम अ लियो. लियो, लिब्रा. लियो, वी हैव अ लियो, वी हैव अ लिब्रा, वी हैव अ कैप्रिकॉर्न, वी हैव अ सनफ्लावर व्हिच इज फेक. यस, सो पहले स्टार्ट करते हैं एरीज से. एरीज वाले जो हैं उनके पास पैसा आ रहा है, जो भी प्लानिंग करेंगे आने वाले टाइम में उनकी कामयाब होगी.
सक्सेसफुल होगी और पॉजिटिव सोचना चाहिए. रीज वालों के हालात जो भी हों, चाहे बिजनेस सही चल रहा है या नौकरी का मसला है या शादी का मसला है, लव लाइफ का मसला है, लेकिन उनको अपनी अप्रोच, अपनी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए. अब हम बात करते हैं टॉरस की, और टॉरस वाले जो हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं. थोड़ी उनकी चीज़ों में रुकावटें हो सकती हैं, पेमेंट्स डिले हो सकते हैं, शादी में मुश्किल आ सकती हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार लग रहे हैं. रात को नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं. फिर हम जिबिनाए की बात करते हैं. जिबिनाए वाले भी थोड़ी सैड एनर्जी नज़र आ रही है, किसी चीज़ को लेकर सैडनेस है, खुश नहीं है. नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है. शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, लव लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, तो थोड़ा सा सैडनेस नज़र आ रही है जिबिनाए वालों की. कैंसर की बात करते हैं. कैंसर वालों के अगर पास्ट में हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, बहुत सफ़र किया उन्होंने, अब जो है बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं, वो सफरिंग से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुश्किल परेशानी से निकल जाएँ, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाभ हो, चाहे शादी का मसला हो, तो कैंसेरियंस का अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है. अब हम लियो की बात करते हैं. लियो एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और कॉम्प्लिकेशंस हैं लियो वालों के लिए. जो भी बिगनिंग करेंगे उनके लिए बहुत टफ रहेगा, लेकिन शुरू में मुश्किल रहेगी स्टार्ट, लेकिन बाद में जाके उनको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें बेहतर होंगी. लेकिन स्टार्ट उनका थोड़ा सा मुश्किल वाला होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. ओके, काजिम साहब कोई क्वेश्चन करना चाहें? वेरी वैल्यूएबल. ओके, नेक्स्ट. ओके, लियो के बाद है वर्गो. वर्गो वर्गो वालों के लिए नया दोस्त बन सकता है, प्रपोजल्स आ सकते हैं वर्गो के लिए, और कोई जॉब ऑफर आ सकती है, इंटरव्यू देने जा सकते हैं. सफर भी जो है वो वर्गो के लिए बहुत अच्छा रहेगा. वर्गो के बाद है लिब्रा. लिब्रा वाले भी कंफ्यूज लग रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके माइंड में इतने कंफ्यूजन्स हैं. स्टूडेंट्स हैं, स्टडी को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस को लेके कंफ्यूजन्स, या लाभ शादी को लेके कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं. क्यों Scorpio. शादी के काफ़ी चांसेस हैं और स्कॉर्पियोज इस वक्त हैप्पीनेस नज़र आ रही है, तो खूब पैसा आएगा. खूब पैसा आता है तो हैप्पीनेस भी आना शुरू हो जाता है. सफर स्कॉर्पियोज के बोले बहुत अच्छा रहेगा. देखिए सारिश, आज स्कॉर्पियन का और आज आप नहीं है हमारे साथ. आज पूरे महीने में पहला दिन है माई को होस्ट सारिश. हाँ, पहला दिन है जिसमें स्कॉर्पियन के लिए अच्छा दिन है और आज सारिश नहीं है. वो पार्टी कर रही हैं. हाँ, ये हो सकता है. हाँ, तो सेजिटेरियस की बात करते हैं. यहाँ पे सेजिटेरियस वालों का भी बहुत अच्छा टाइम है और लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए. गुस्सा फजूल किस्म की बातों पे आ सकता है और क्रिएटिव, अपना माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाइए. कोई काम कीजिए, अपनी जो एनर्जी है, क्योंकि एयर ही वो फायरी एलिमेंट होता है इसका, तो एनर्जी बहुत होती है. उनसा जल्दी जल्दी करेंगे, वक्त जो है वो जाता जा रहा है. कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है. बैंक का मैसेज कंसीव कर सकती हैं. एक्वेरियस जो है वो भी अनसर्टेनिटी रहेगी उनके बिजनेस में, या कोई भी काम करना चाहते हैं कंफ्यूजन उनकी हो सकती है. पाइसेस जो है वो वक्ती रुकावटें होंगी उनके कामों में, लेकिन आगे जाके उनको कामयाबी मिलेगी. ओके, थैंक यू सो मच उनसा. आपने जो है वो पूरे हफ्ते का हाल बता दिया. फॉर बीइंग विद अस एंड यस, आई'd लव टू गेट एसएमएस मैसेजेस फ्रॉम द बैंक दैट माय अकाउंट गॉट डेबिटेड.
with the amount, some of a heavy amount. Thank you so much, Kazim. Aap hamare saath hain. Thank you so much, Jim, for joining us. And we love to see your show on Saturday at PSCC. What is the time exactly? 7 to 9. And it's free, so you can bring anyone along. Hame dijiye ijazat, inshallah kal aap sun laga dungi. Till then, Allah Hafiz. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।